नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आपने आलू के चिप्स और भी तरह तरह के चिप्स खाए होंगे, पर आज हम बना रहे हैं चावल के आटे के नाचो चिप्स। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाकर रख लो और महीने भर आराम से खाओ चाय के साथ के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, 1 कप पानी में हम डालेंगे थोड़ा नमक, 1/2 छोटा चम्मच। अब पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, हल्का गर्म हो जाए, उबले ना, बस गर्म हो जाए हल्का सा। और जैसे ही पानी हल्का गर्म होगा वैसे ही हम डाल देंगे इसमें चावल का आटा। ये 1 कप आटा है, 1 कप आटा, 1 कप पानी, दोनों बराबर लेने हैं। और फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर लो रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी चावल का आटा पानी को सोखने लगता है, तो फ्लेम को लो रखना। बस मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे आपको, तो चावल का आटा सारा पानी सोख लेगा। तो जैसे ही पानी सोख लेगा वैसे ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सरसों का तेल मत डालना इसमें, नहीं तो वो टेस्ट अजीब सा लगेगा आपको। यहाँ पे आपने रिफाइंड ऑयल ही डालना है। रिफाइंड ऑयल में कोई भी ले सकते हैं आप। अब ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम लो है बिल्कुल। अब फ्लेम को हमने कर दिया बंद, गैस बंद है, इसको निकाल दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा ठंडा हो जाए बस, ताकि हम इसको हाथ से टच कर सकें। अब देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा गूंद कर डो की तरह बना लेंगे, जैसे रोटी का आटा होता है उसी तरह से। बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट रहेगा जितना रोटी का आटा होता है। मसल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ऑयल है जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें और ये थोड़ा बाइंड हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आटा हमारा तैयार है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पाट लेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी जितना ही मोटा रखना है, जितनी मोटी रोटी रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चावल का आटा लगा कर ही बेल रही हूँ। थोड़ा सा आटा लगा लेना और बहुत हल्के हाथों से बेलना है इसको। हाथ टाइट मत करना, हल्के हाथों से बेलना आटा लगाकर। चावल का आटा लगा लेना बेलते टाइम। अब इसको फोक से हम इसमें छेद कर देंगे, ताकि ये फूले नहीं, पूड़ी की तरह फूल ना जाए। तो होल कर दिया हमने, अब इसको हम कट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल जो नाचो आपने खाए होंगे बिल्कुल नाचो जैसा टेस्ट आता है, और इसको एक बार बनाकर रख लो आप, महीने भर आराम से खा सकते हो। जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से मैं शेप काट रही हूं। और बिल्कुल हल्के हाथों से ही इनको उठाना। और बस इनको काट के रखना नहीं है उधर तेल, जब इनको आप बेलोगे तब तक आप तेल गरम करने के लिए रख देना, क्योंकि इनको रखना नहीं है, हैंड टू हैंड इनको आपने फ्राई करना है। अब तेल हमारा गरम हो चुका है और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें जो तेल जो गरम होगा, एक बार गरम करने के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर देना और हल्का गोल्डन कलर आ जाए तभी हमने इनको निकाल लेना है। जो जो सिकते जाए एक साइड से उनको पलटते जाना है। हल्का कलर ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में एकदम से अगर आपने थोड़ी भी देर ज़्यादा कर दी तो एकदम से ये डार्क हो जाएंगे। तो
तो हल्का सा हल्का हल्का कलर आ जाए तभी आपने इनको निकाल लेना है, मतलब हल्का गोल्डन कलर। ज़्यादा डार्क में निकालोगे थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, तो ये बाद में निकालने के बाद और डार्क हो जाते हैं, तो हल्का गोल्डन कलर हो तभी निकाल लेना। इसी तरह से हम अपने ये सारे जो चिप्स हैं नाचो चिप्स इनको तल लेंगे। अब इनको देखिए आप कई तरह से खा सकते हैं, ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं, क्रिस्पी बहुत टेस्टी लगते हैं। और इनको आप जो नाचो डिप आती है नाचो डिप के साथ इसको खा सकते हैं आप, जो नाचो डिप सॉस आती है, और इसको दही पापड़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो दही पापड़ी अगर बना के खाएंगे इसकी तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसमें हल्का सा आप लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए। अगर वैसे चटपटा सा थोड़ा खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। इन चिप्स को आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए आप कैसे खाना चाहते हैं। और बहुत सबसे ज़्यादा तो ये बच्चों को अगर खिलाना चाहते हो तो नाचो डिप अगर आपके पास है तो उसके साथ देना, बिल्कुल नाचो जैसा टेस्ट लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।